कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। घर पे रह रहे होंगे, थोड़ा सा बोर हो रहे होंगे बस। बाकी और तो चीज़ें सब लगभग ठीक ठाक ही होंगी। आइए आज इसी कुछ बिंदुओं पर बात करते हैं हम। किसी अध्याय को, किसी टॉपिक को, किसी सब्जेक्ट को लेके आज बात नहीं होगी। आज बात होगी तो सिर्फ वर्तमान परिस्थिति जो है, इस परिस्थिति में व्यक्ति का मस्तिष्क, व्यक्ति का मनोवियोग, व्यक्ति का विचार जो बनता है, व्यक्ति जिस बात का चिंतन करता है, उस पे आज हम बात करेंगे। तो अधिकतर समस्याएं जो आ रही हैं लोगों के साथ, वो अकेलापन है। लोग जो अकेले रह रहे हैं वो स्ट्रेस में है, परेशान है, किसी से मिल नहीं सकते, कहीं आ जा नहीं सकते। बच्चे जो हैं उनको चिंता है कि उनकी बोर्ड कक्षाएं जिनकी आने वाली हैं, उनको चिंता है कि हमारे क्लासेस नहीं शुरू हो पाए हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आने वाले समय में हमारा जो रिजल्ट होगा वो खराब हो जाएगा। सारी चीज़ें हैं। व्यापारी वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, जो भी है, तो सब कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान है और कुछ मानसिक रूप से भी ज़्यादा परेशान है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि थोड़ा सा धैर्य रखिए। धैर्य की आवश्यकता है आपको, प्रत्येक व्यक्ति को धैर्य की आवश्यकता है, सिर्फ आप ही को नहीं। इस वर्तमान समय में जो भी व्यक्ति है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी आयु वर्ग का हो, सबको धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य के साथ रहिए ताकि आपके अंदर क्रोध की जो है वो अधिकता ना होने पाए। जब जब धैर्य कम होता है तब तब क्रोध बढ़ता है, और क्रोध जब जब बढ़ता है तो आप जानते हैं स्वाभाविक सी बात है, कुछ ना कुछ नुकसान ही करता है क्रोध। आइए इसी बात बिंदु पर बात करते हुए आपको हम बताते हैं एक छोटी सी स्टोरी है, जो एकांत और अकेलेपन में जो चिड़चिड़ापन आप लोग बताते रहते हैं, तो उसका निराकरण या उसका क्या आप लाभ एकांत का ले सकते हैं, इस पर थोड़ी सी मैं बात करूंगा आज। आपने नाम सुना होगा न्यूटन का। न्यूटन 1665 यानी 17वीं शताब्दी की बात है। उस समय वो कैम्ब्रिज के ट्रिटी कॉलेज था, कैम्ब्रिज में, वहाँ पर अध्ययन कर रहे थे। रिसर्च स्कॉलर थे वो, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट थे, रिसर्च कर रहे थे। उसी समय वहाँ पर प्लेग फैल जाता है, और उस प्लेग के फैलने के बाद होता क्या है कि लंदन में काफ़ी संख्या में लोग मारे गए थे। तो उस समय वहाँ से उनका घर करीब 150-200 किलोमीटर जो भी पड़ता रहा हो, वहाँ पर वो चले जाते हैं अपना, और घर पे वो बिल्कुल अकेले एकांत में रहते हैं। वहाँ से मिलने वाला कोई नहीं है, बोलने वाला कोई नहीं है, तो अकेलापन वास्तव में एक तरह से पागलपन की ओर लेके जाता है। लेकिन सबको नहीं, जो विद्वान होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो होशियार होते हैं, उनके लिए जो एकांत होता है वो वरदान होता है। और जो ज़्यादा सामाजिक होना चाहते हैं, सोशल ज़्यादा होना चाहते हैं, उनके लिए एक तरह से अभिशाप होता है। तो एक तरह से इस कह सकते हैं कि अभिशाप में वरदान ढूंढना कहा जा सकता है, एकांत में कुछ अच्छा करके। तो वो अपने जब घर पहुंचते हैं, एकांत में रहते हैं, तो उस एकांत के समय में उन्होंने अपने आसपास जब देखा तो किताबें बहुत ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत जो थी उन्हीं को पढ़ा। और पढ़ने के बाद जो आप प्राइमरी कैलकुलस पढ़ते हैं, प्रारंभिक कैलकुलस जो है, उसका वहीं से श्री गणेश होता है, आरंभ होता है, शुरुआत होता है। उसी 1665 से 1666 के बीच का जो एक साल है, उसी एक साल में न्यूटन ने प्राइमरी कैलकुलस को जन्म दिया। वहीं से एक पेड़ के नीचे छोटी सी जगह थी, बनाई हुई थी, जिसमें थोड़ा सा प्रकाश आता था, वहीं से ऑप्टिक्स का विकास होता है, ऑप्टिक्स की विचारधारा आती है। और उसी समय अपनी खिड़की से उसी दौरान देखते हुए, उसी एक सत्र में देखा था, और एक सेब को गिरते हुए उस पर चिंतन करके तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत उन्होंने दिया। तो कहने का मतलब यह है कि एकांत जो है वो बुद्धिमान, विद्वान, समझदार लोगों के लिए हमेशा लाभदायक रहा है, उसका लाभ वो उठा ही लेते हैं। और अगर आप नासमझ हैं, आपके अंदर निर्णय क्षमता कम है, अच्छी नहीं है, तो ऐसे में आपके लिए एकांत हो या भरा पूरा माहौल हो, दोनों दुष्कर हो सकता है, दोनों दुष्कर हो सकता है। और ठीक इसी तरह हम बात करेंगे एक और भारत के ही हुए हैं, अरविंदो घोष, जिनका नाम आप लोगों ने सुना है। अरविंदो घोष बंगाल से थे मूलतः, बंगाल से ये लंदन जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करके आते हैं, वो 20वीं शताब्दी में वापस आते हैं, 1900 से 2000 के बीच का समय, जो 20 जो बच्चे समय है उसमें वापस आते हैं। तो होता क्या है, बंगाल विभाजन उसी समय हुआ होता है। बंगाल विभाजन की स्थिति को देख कर ये अपनी उग्र विचारधारा के नाते, उग्रता पूर्ण क्रांतिकारी कदमों को उठाते हैं, उन्हीं कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, और जिसके चलते उनको 1908 में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। और वो जेल ऐसी जेल थी अंडमान में, कभी अगर मौका मिले जाने का, तो सेलुलर जेल जो है,
वहाँ पर इनको भेज दिया जाता है। उस सेलुलर जेल में जो कोठरियाँ हैं उसमें एक एक खिड़कियाँ होती हैं, और वो भी सिर्फ आसमान को देखने के लिए। उसी में इनको रखा गया लंबे समय तक, एक साल का समय लंबा ही होता है, एक साल तक वहाँ रहे। एक साल तक रहने के बाद इन्होंने आत्ममंथन किया, चिंतन किया, और उसके बाद इनका स्वयं से साक्षात्कार हुआ, आत्म परिचय इनको अपना प्राप्त हुआ कि वास्तव में मैं कर क्या रहा हूँ और मैं कर क्या सकता हूँ। और उस आत्म परिचय को प्राप्त करने के बाद जब वापस आते हैं, उस जेल से बाहर आते हैं, तो लोगों की अपेक्षाओं के ठीक विपरीत हो जाते हैं। लोगों की अपेक्षाएं होती हैं कि ये आएंगे तो पुनः उसी तरह के क्रांतिकारी कार्यक्रमों में भाग लेंगे, उग्र होकर आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन इन्होंने एक अलग की विचारधारा, अलग का दर्शन ही दिया, और उस दर्शन पर आगे चलकर पुडुचेरी चले जाते हैं, और पुडुचेरी में अरुविलय नामक एक आश्रम की स्थापना करते हैं जो आज भी काफी प्रसिद्ध है। तो कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि आप अगर अवसर की तलाश करें, कोशिश करें, तो आप एकांत का बहुत महत्व है आपके जीवन में, बड़ा लाभ उसका उठा सकते हैं। भरोसा कीजिए कि ये जो समय आपका 21 दिन फिर 19 दिन टोटल 40 दिन का जो समय है, अगर इसका पूर्ण सदुपयोग करें, जो भी संसाधन आपके पास हैं उनसे कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। और मैं तो कहूँगा कि इस समय में आप जब बाहर नहीं जा सकते हैं तो आप अंदर जाइए। अंदर जाने का मतलब आप अपने भीतर जाने की कोशिश कीजिए, अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए, आप संभावनाएं तलाशने की कोशिश कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, वास्तव में आप किन चीज़ों में बेहतर कर सकते हैं, जिनको समझने का, जिनको जानने का, जिनको पहचानने का सामान्य दिनों में आपका आपको मौका नहीं मिल पाता है, आपको ऐसे अवसर नहीं मिल पाते हैं कि आप उन चीज़ों को पहचान सकें, अपनी आंतरिक प्रतिभा को पहचान सकें। या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप पूरे साल करना चाहते हैं लेकिन समय के अभाव के कारण नहीं कर पाते हैं, संगीत का क्षेत्र हो गया, कुछ खेल का क्षेत्र हो गया, कुछ उपन्यास पढ़ने का काम हो गया, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप नहीं कर सकते। हाँ, ये बात वास्तविक है कि परिस्थितियाँ विपरीत हैं, मुश्किल हैं, अच्छी नहीं हैं, लेकिन खासकर उनके लिए जिनके पास जीवन जीने की मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, मूलभूत आवश्यकता पूरी करने के लिए संसाधन नहीं है, और उनके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है, जनता भी प्रयास कर रही है, आमजन प्रयास कर रहे हैं, और उम्मीद है आप भी कर ही रहे होंगे कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत जो भी संभव होगा। तो इतना मान के चलिए कि जब आप बाहर नहीं जा सकते तो आप अंदर जाने का प्रयास कीजिए, अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए, आत्ममंथन कीजिए, और उस आत्ममंथन से जो चीज़ें निकल कर आएंगी वो जाहिर सी बात है आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगी। जब आप 40, 50, 100 दिन के बाद किसी से मिलेंगे, नए जगह पर जाएंगे, तो आपको इस बात का पूरी तरह से आभास होगा कि आपने कुछ नया किया, कुछ नया सीखा, तो आपको बेहतर समाज में बेहतर महत्व मिल रहा है। निरंतर लोगों का रवैया, उनका व्यवहार, उनकी सोचने के का तरीका उनके आपके प्रति बदलता हुआ नजर आएगा। वो भी तब संभव होगा जब आप अपने आप को पहचानेंगे, आत्ममंथन करेंगे, और अपने आप को अलग तरह से सोचने वाला प्राणी बनाएंगे। सामान्य स्थिति में सबकी तरह रहना, सामान्य स्थिति में सबकी तरह जीवन यापन कर लेना तो सबके बस की बात है, लेकिन कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए विषम परिस्थितियों को अपने साथ जोड़ना और उसके साथ कदम से कदम मिला के आगे चलना ही एक बेहतर और बुद्धिमान प्राणी का कर्तव्य है। आपने एक पद्धति के बारे में सुना होगा, विषयापना। अभी बहराइच से जुड़ा हुआ श्रावस्ती है उत्तर प्रदेश का, तो श्रावस्ती में आप जब जाइए तो विषयापना केंद्र है। आप जब भी बहराइच से निकलने लगते हैं तो आपको बताया, वहाँ से एक इंडिकेशन मिलता है रोड पे, विषयापना केंद्र की दूरी ये है। तो विषयापना केंद्र में होता क्या है कि आपको 9 दिन के लिए रखा जाता है, और उन 9 दिनों में आपके पास ना फोन होगा, ना आप किसी से मिल सकते हैं, ना आप किसी से बोल सकते हैं। दिन में 10-15 मिनट के लिए एक असेंबली होती है छोटी सी, जिसमें आप सबके सामने बैठेंगे, सबको देखेंगे, जो भी वहाँ विषयापना में आए हुए होंगे वहाँ बैठेंगे, देखेंगे, और फिर अपने रूम में चले जाएंगे, खाएंगे पियेंगे। होता क्या है कि 9 दिन आपको बोलना नहीं होता है, तो पहले दिन, दूसरे दिन बड़ी दिक्कत होती है, मन करता है लोग छोड़ के चले जाएं, भाग जाया जाए, ना रुका जाए, लेकिन जब आप 3-4 दिन निकाल देते हैं, फिर उसके बाद का जो समय होता है वो बड़ा अच्छा लगने लगता है। 9वें दिन आपको ऐसे आभास होता है कि बोलना तो व्यर्थ है, अनावश्यक बोलना ही नहीं चाहिए। लोग जब आपको पूरी आज़ादी देते हैं कि आप जो भी बोलना है बोल सकते हैं, तो आपका बोलने का मन ही नहीं करता। तो क्या है, बस बात यही है कि हम अपने आप को जिस चीज़ का आदि बना लेते हैं हम वही बन जाते हैं, हमारा दिमाग वही करने लगता है जो हम उसको रेगुलर आदत में डालते चले जाते हैं। इसीलिए
अच्छी आदतें अपनाइए, अच्छी आदतें आपको अच्छा इंसान बनाएंगी, बेहतर इंसान बनाएंगी, जीवन में सफल इंसान बनाएंगी। अभी आप छोटी सी बात मान के चलिए कि अगर आप साल में पूरे साल कोई काम नहीं करते, कोई पढ़ाई नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, और आप सोचते हो कि लास्ट के महीने में, लास्ट के 4 दिन में, 10 दिन में हम कुछ कर लेंगे, तो ऐसे में नहीं हो पाएगा। क्योंकि दिमाग तो आज, जैसे आप जब भी आपका मन किया, आज मन किया आपका पढ़ने का, लेकिन आपके मन ने कहा कि अरे ठीक है कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, तो आज तो आप अपने आप को मन की बात मानने का आदि बना लेते हैं, मन की बात मानते जाते हैं और उसे कुछ बेहतर नहीं हो पाता। लेकिन आगे जब एक महीने का समय बचेगा या कम समय बचेगा, उस समय अगर ये कहा जाए कि आप मन को अपनी बात मनवा लीजिए, तब नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप तो मन की बात मानने के आदि हैं और मन आपको अपनी बात मनवाने का आदि हो चुका है। तो ऐसे में आप उस काम को एक महीने में नहीं कर पाएंगे। और खासकर विद्यार्थियों के लिए जो समय है, ये सेल्फ स्टडी करने वालों के लिए बहुत बेहतर समय है। जो स्वयं स्वाध्याय करते हैं, वो चाहे सिविल एस्पिरेंट्स हों, चाहे बोर्ड क्लासेस के बच्चे हों, किसी भी क्लास के बच्चे हों, जो स्वाध्याय करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, उनके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम है। और आजकल तो बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, फ़ोन, यूट्यूब वगैरह से आप बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस सर्च करके देख सकते हैं। बहुत सारे विद्यालय भी इस क्षेत्र में प्रयास कर ही रहे हैं। तो ऐसे में आपको एक बेहतर वातावरण देने का प्रयास आपका समाज, आपके पेरेंट्स, आपके इष्ट मित्र दे रहे हैं, उनका साथ दीजिए, उनका सहयोग कीजिए और अपने आप को एक बेहतर नागरिक बनाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।